राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गए को न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था भाई दीपावली के ऊपर कुछ स्टेटस वीडियो लेके आओ, कमिंग सॉन्ग स्टेटस। ठीक है, जो आज का स्टेटस होने वाला है वो दीपावली का होने वाला है, कमिंग सॉन्ग स्टेटस होने वाला जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले गाइस आपको स्टेटस दिखाते हूँ गाइस, उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस वो जल्दी से चल के देख लेते गाइस। इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका गाइस। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना, कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस, तो ये भाई भी आपकी चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस, तो हे गाइस कमिंग सॉन्ग स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और इसी तरह का आपको सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो गाइस ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो गाइस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस, जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता गाइस कि नंबर कैसे आता है। ठीक है, तो चलो गाइस बिना डर के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बनाना। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, बिटमार प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट मिलेगा, तो इन दोनों प्रोजेक्ट का आप इंपोर्ट कर लेना, बिटमार प्रोजेक्ट को और इफेक्ट प्रोजेक्ट को, दोनों को इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी गाइस, बहुत सारे लोग हमारे को कमेंट कर रहे भाई हमारे प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, कैसे इंपोर्ट करें, तो इसके लिए देखो गाइस सिंपल सा प्रोसेस है। देखो हमारे को देखो गाइस ये वाली दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट पे इस वाले प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे बिटमार्क पे, तो ये यार यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ले तो जाता लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता, तो आपको यार सेकेंड ऑप्शन पे कर लेना। ये जो सेकेंड वाला है, जो देखिए गाइस ये फर्स्ट वाला है ये प्रीसेट लिंक होता है, और दूसरा वाला जो डाउनलोड ये वाला है ना दूसरा वाला, तो ये वाला होता है कि आप XML फाइल होती है। ठीक है, तो आप XML फाइल अभी इंपोर्ट कर लो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो XML फाइल इंपोर्ट कर लेना जो सेकंड वाला है ना इसके अंदर। जैसे ये इफेक्ट वाले आए, इफेक्ट के अंदर भी ये एक देखिएगा, इफेक्ट के अंदर भी ये सेम ही रहेगा, XML फाइल भी रहेगी, प्रीसेट फाइल भी रहेगी। ठीक है, तो आपको XML इंपोर्ट कर लेना अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और फिर भी आपको यार देखो गाइस हमने यहाँ पे एक वीडियो मतलब ये भी बना रखी है, अगर इस वाली वीडियो से आपके सोल्यूशन हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं बता देता हूँ कौन सी वीडियो है, तो देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वीडियो है वो हमारी। तो देखिए मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ आपको, तो जो हमारी गाइस ये वाली वीडियो है, तो देखिए गाइस मैं बताता हूँ आपको ये वाली वीडियो, देखो गाइस ये वाली वीडियो देख लेना आपको ये वाली। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो आप देख लेते हो तो इस वीडियो के अंदर हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता रखा है, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो गाइस XML फाइल आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक तो काम हमारा ये देखेगा, अब ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लोगे, बिटमार्क प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपको कैसे वीडियो बनाना वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बिटमार्क का प्रोजेक्ट को ओपन कर, ओपन करने के बाद में गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब करना क्या है, इस वीडियो को कैसे बनाना वो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान स्टेप से बताऊंगा इस वीडियो को आपको बनाना कैसे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको करने के लिए गाइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ये वाला, अब इसके यहाँ अंदर लिखा हुआ है कमिंग सॉन्ग। ठीक है, तो इस वाले लेयर देखिए ग्रुप वाला लेयर, इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, स्क्रॉल करके आगे आना, और यहाँ पे देखिए गाइस इनका आपको केवल फोन चेंज करना, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इफेक्ट इसके अंदर लगा हुआ ऑलरेडी, तो फर्स्ट वाले देखिए ऊपर वाला लेयर, इस पर क्लिक करेंगे, डबल एट एक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और ये वाला फोन रख लेना गाइस। ठीक है, इस वाले फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना, चेंज कर लेना। फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला लेयर इस पर क्लिक करना, डबल एट एक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना और इसके अंदर भी ये वाला फोन रख लेना सेम। ठीक है, तो देखो भाई दोनों के अंदर सेम फोन रखना, उसके बाद अगले ग्रुप पे जाएंगे, अगले ग्रुप पे भी ये सेम प्रोसेस रहेगा, अगले ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है, फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद डबल एट एक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना और इसके अंदर भी सेम यही फोन रखना है, और उसके बाद में सेकंड वाला लेयर है इसके ऊपर भी क्लिक करना, डबल एट एक्स पर क्लिक करना, इसके अंदर भी सेम यही फोन रख ले। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, दोनों ग्रुप के अंदर काम कंप्लीट। ठीक है,
अब आपको करने के गाइस यहाँ पे आगे आना, यहाँ पे देखिए गाइस ये लिखा हुआ है वेरी स्पेशल डे, ठीक है, ये वाला लेयर दिख रहा होगा, ये वाला टेक्स्ट वाला लेयर, इस पर क्लिक कर देना, उसके अंदर डबल टेक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना और इसके अंदर गाइस ये वाला फॉन्ट रख लेना। इस वाले फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना, चेंज करना, ठीक है। इसके अंदर भी ऑलरेडी यहाँ पे इफेक्ट लगा हुआ गाइस, इसके अंदर भी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट, उसके बाद आगे आना, यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिलेगा गाइस हैप्पी दीपावली, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये वाला ग्रुप है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल टेक्स पे क्लिक करेंगे और आगे आएंगे, जो ऊपर हैप्पी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, डबल टेक्स पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे को ये वाला फॉन्ट रख लेना गाइस, लेमन बोल्ट वाला, ठीक है। इस वाले फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ। उसके बाद दिवाली है, दिवाली वाली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल टेक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और इसके अंदर भी सेम यही फॉन्ट रख लेना, लेमन बोल्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। जो तीन ग्रुप थे, तीनों ग्रुप का हमने काम कंप्लीट कर लिया गाइस। अब हमारे को क्या करना गाइस, फोटो लगाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखिए इस बीट मार से 7.12 सेकंड से लेके एंड तक हमारे को फोटो लगाना। फोटो लगाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस बीट मार पे आ जाएंगे, 7.12 सेकंड पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फोल्डर से कर लेंगे जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, ठीक है। अब फोटो एड करने के लिए जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देने के फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना, उसके अंदर फिल कंप्रेशन एरिया है ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देना, तो जैसे क्लिक करोगे फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिटमैप पे जाना, पीछे का स्टेप हट करना, तो इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, पीछे का स्टेप हट कर दे। तो इस प्रकार से आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना गए। तो यहाँ पे मैं गाइस सारी फोटो ऐड करके फिर बता दूँ, नहीं तो गाइस वीडियो पूरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी फोटो ऐड करके फिर बता दूँ आपको। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे सारी फोटो लगा दी गाइस। अब आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे देखिए आगे जाओगे फोटो के नीचे आपको एक लेयर ये मिलेगा, एक ये वाला लेयर मिलेगा और आगे जाओगे एंड के अंदर ये वाला लेयर में, तो इन लेयर को आपको ऊपर ले आना फोटो के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से दबा के रखना और ये जो फोटो है इसके ऊपर ले आना, ठीक है। फर्स्ट वाला लेयर ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिएगा इसको जिस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको आगे आना और जो अगला ये वाला लेयर इस पर भी इस प्रकार से दबा के रखना, इसको भी आपको फोटो के जस्ट ऊपर ले आना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली फोटो इसके ऊपर भी एक लेयर रहेगा इसके नीचे, इसको भी इस प्रकार से दबा के रखना और इसको भी ऊपर ले आना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारे को क्या करना, इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक आ जाना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना और सेकंड नंबर पे आपको एक फोटो मिल रही होगी, इस वाली फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लोगा, इस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाना यहाँ, जहाँ से आपकी फोटो स्टार्ट हो रही वहाँ पे आ जाना। तो फर्स्ट वाली फोटो ये रही, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट आपको क्या करना गाइस, ये देखिएगा इस यहाँ तक लगा देना, देखिएगा ये तीन फोटो है, तीनों फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगा देना, ओके। ये देखो ठीक है गाइस, यहाँ तक लगा दोगे। उसके बाद में एक ये वाली फोटो छोड़ देना जिसके ऊपर ये वाला लेयर है ना, ये वाली फोटो छोड़ देना। फिर आपको अगले बिट मार पे जाना, फिर से आपको ये तीन फोटो है, इन तीनों फोटो के अंदर इफेक्ट लगा दे इस प्रकार से। देखो गाइस जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ गाइस, आपका वीडियो बहुत ही आसान स्टेप से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस उसके बाद आगे ये वाला देखिए गाइस, ये वाला देखिए 10.17 सेकंड पे ये इसके ऊपर ये वाला लेयर है ना, ये वाली फोटो छोड़ देना, इसके अंदर इफेक्ट नहीं लगाना। अगले बिट मार पे जाएंगे फिर और यहाँ से फिर से हम इन तीनों फोटो के अंदर फिर से इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है गाइस। तो तीनों फोटो के अंदर हमने इफेक्ट लगा दिया और जो लास्ट वाली फोटो है इसके ऊपर लेयर है तो इसको भी छोड़ देना गाइस। अब हमारे को गाइस जो ये लेयर है ना इनके अंदर इफेक्ट लगाना, जैसे कि ये वाला लेयर है आगे, एक ये लेयर है और एक ये वाला लेयर है एंड एंड के अंदर ये वाला। अब इनके अंदर भी हमारे को इफेक्ट लगाना, तो इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से हमारे को बैक आ जाना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना, लास्ट के अंदर जाना, लास्ट के अंदर ये वाला लेयर दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लोगे, इस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस, देखिए सबसे पहले ये वाला लेयर यहाँ पे आ रहा 8.23 सेकंड पे, यहाँ पे आना, इस वाले लेयर पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो अभी देखो गाइस कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, देखिए इफेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से आएगा, ठीक है। और अगला ये वाला लेयर है, इस बिट मार्क पे आ जाना 10.17 सेकंड पे, इस वाले लेयर पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, इसके अंदर भी ये सेम इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाली फोटो है इसके ऊपर भी एक लेयर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो ठीक है इसके अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा। अभी देखो गाइस इस प्रकार से ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो गाइस देखो गाइस ये इफेक्ट कितना शानदार तरीके से
ठीक है गाइस। तो ये इफेक्ट हमारा जो यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, ये इफेक्ट का काम हमने कंप्लीट कर लिया फोटो के अंदर, सारी फोटो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो हैप्पी दीपावली लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके अंदर एक वीडियो इफेक्ट लगाना, जो वीडियो लगाना गाइस। ठीक है, वीडियो क्लिप वो लगाने के लिए आपको आ जाना 5:23 पे आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते। तो ये वाला वीडियो क्लिप है, इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, जैसे प्लस पे क्लिक करोगे ये वीडियो क्लिप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना गाइस, ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा आगे, तो इसको थोड़ा बिट मार के ऊपर ले आएंगे, सही एकदम फिट। देखिए एकदम बिट मार के ऊपर आ गया हमारा जो वीडियो क्लिप है। उसके बाद में आपको क्या करना, अगले बिट मार पे जाएंगे, 7:12 पे आएंगे, और इसी वीडियो क्लिप पे क्लिक करके, स्पीड पे क्लिक करके, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, तो हमारा वीडियो यहाँ पे कम हो जाएगा। उसके बाद में जो वीडियो क्लिप है, अभी इसको हमारे को नीचे लाना होगा, क्योंकि दीपावली अभी यहाँ से अच्छे से शो नहीं हो रहा। ठीक है, जो दीपावली लिखा हुआ है, हैप्पी दीपावली, वो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इस वीडियो को इस प्रकार से दबा के रखना, स्क्रॉल करके आपको नीचे ले आना है इस प्रकार से, और जो ग्रुप है, ग्रुप की इसके जस्ट नीचे ला के छोड़ दो। अभी देखो गाइस, जो दीपावली कितना शानदार तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा गाइस, स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा लोगो आता है एमएस एडिट, वो वगैरह लगाना, तो वो लगाने के लिए फिर से बेक आना, इफेक्ट कॉल प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। स्टार्टिंग के अंदर आपको दो लेयर दिख रहे होंगे ये वाले, इनको दोनों को कॉपी करना है, तो इस प्रकार से फर्स्ट वाले को दबा के रखना, सेलेक्ट हो जाए, ऊपर वाले पे क्लिक करना, दोनों सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना, दोनों लेयर यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ देना, उसके बाद बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पर क्लिक करना, पेस्ट लेयर पर क्लिक करेंगे, तो दोनों लेयर यहाँ पे आ गए। जो देखिए ऊपर लिखा हुआ एमएस एडिट स्टेटस, नीचे लिखा है www.youtube.com। ठीक, अब इनका भी आपको फोन चेंज करना, तो वो कैसे करना, जैसे फर्स्ट वाला लेयर है youtube.com, इस पर क्लिक करेंगे, AA पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, और इसका फोन हमारे को रखना है लेमन बोल्ट वाला। ठीक है, ये वाला फोन। ठीक है, इस फोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल ही जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड वाला लेयर है एमएस एडिट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, AA पर क्लिक करेंगे, इसका भी फोन हमारे को लेमन बोल्ट वाला रख लेना। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब इन दोनों लेयर को हमारे को एंड तक करना है, तो फर्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करके एंड के अंदर आ जाओ, इस वाला आइकन पर क्लिक करना, एंड तक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको स्टार्टिंग के अंदर फिर से जाना, जो सेकंड वाला लेयर, इस पर क्लिक करना, और एंड के अंदर आ जाओ, इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, ये भी एंड तक आ जाए। फाइनली गाइस जो वीडियो वो पूरा कंप्लीट बन चुका है। एक बार थोड़ा सा चला के दिखा दूँ वीडियो किस प्रकार से बना हमारा, तो देखो गाइस। वीडियो कितना शानदार तरीके से बन चुका है। अब इस वीडियो को हमारे को एक्सपोर्ट करना गैलरी के अंदर, तो इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो पर सिलेक्ट करना, उसके बाद इस वाला आइकन पर क्लिक कर, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है वो रख लेना। तो मेरे फोन में यार नया फोन है, तो मेरे 4K तक एक्सपोर्ट हो जाता था, लेकिन मैं यहाँ पे 1080 के अंदर ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको तो 1080 पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना, तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। और ये 100% एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।